जाकर गिरानी भरी क्लासरूम में साईं कई साल सा बरकत नाम तर प्रोवाइड वर्ल्ड वर्ल्ड थी वो साई ऑर्केस्ट्री है प्रोग्राम इट्स टाइप्स ही क्लिप्स तलीम के प्रमोशन के लिए जो सिंधी शागिद के उस्ताद के तलीम इदार के दोस्त के तलीम दोस्त के गुजारिश तो क्या समझो था तो हि क्लिप्स तलीम ए सिंध की तलीम के लिए बेहतरीन वो डेवलपमेंट में कमी दी तो उन्हें मेहरबान करें मुझे चैनल के सब्सक्राइब कर प्रोग्राम इट्स टाइप्स अब्दुल करीम साहब थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू अस्सलाम वालेकुम एवरीवन As we are discussing in the lecture series about grammar and especially about parts of speech, so today we will discuss about pronoun and its types. अब जैसा pronoun सही मतलब ये किस्म के बारे में या types के बारे में सीखा। First of all जैसा definition के बारे में गए हैं तो parts of speech में ये कि parts हैं मतलब ये definition चाहिए। So what is pronoun actually? Pronoun is a word. It is a word. Used instead of noun, or we can say in place of noun. ज़मीर pronoun के सिंधी में ज़मीर चल रही हुआ, pronoun इस्म जो बदला कर रही हुआ, या इस्म यानी कि noun की जगह है कर रही हुआ. How? जब examples हैं he, she, it, they, this. Some, all, each, every, where, etc. These are pronouns. He, she, it, they, this, some, all, each, every, where. Okay. So these are used in place of noun. मैं सदैव कैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ? Noun से बदला. याद है noun से जगह जैसा हम इस्तेमाल करते हैं. First of all, the first type of pronoun is personal pronouns. Personal pronouns. Yes, you see the name of this type, personal pronoun, personal. So, in this case, we can use the person here as the pronoun, that is, people here as the pronoun. He, she, it, I, we, they, you. These again, these are personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस या थ्री टाइप्स होते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस सेकंड पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस एंड थर्ड पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी एंड सेकंड पर्सन होता है यू यू एक सिंगुलर होगा यू एक प्लूरल होगा यू प्लूरल एंड थर्ड पर्सन होना है ही शी इट एंड दे फर्स्ट पर्सन और द पर्सनल प्रोनाउंस वे होता है जिके काशिफ खुद बयान कर काशिफ जुमले में जो इस्तेमाल हो जो इो अस महसूस किया वो खुद गलाएगा वो खुद डिस्कस करता सपोज आई एम टीचिंग यू इन अभी आए जो हुआ वो खुद काश बयान करे वी आर गिविंग यू लेक्चर्स तो इन्होंने जो हुआ फर्स्ट पर्सन जो हुआ वो खुद काश बयान करे जिन्हें को खुद कोई चीज बयान करे द वन हु स्पीक्स देन वी से दैट इट इज अ फर्स्ट पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस सेकंड पर्सन जैसा सा मुखातिब हो जो हाजिर हो जैसा सा मुखातिब हो जैसा सा गल है सपोज राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू आई एम गिविंग यू लेक्चर सपोज आई से डू यू अंडरस्टैंड मी दैट यू इज द सेकेंड पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस जैसा मैं मुखातिब आया इन वक्त जैसा मैं मुखातिब आया वो तरह ऑडियंस यू जो आगे सेकेंड पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस थर्ड पर्सन असर उन पर्सन के चवंदा आयोजन उन यानी कि किस्म के चवंदा आयोजन जिनके जिनके बारे में असर गल वो चाहे वो हाजिर हुजन या चाहे वो गायब हुजन इतने हुजन भी या ना हुजन सपोज मैं चवा अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय He is not here right now, but Ahmed is intelligent boy, and Ahmed is jagah mein he jo istemal karta hai. That he is very intelligent. He lives in Ranipur, and he comes earlier. Unhe jo baare mein kitna bayan kiya unhe jeko maa galat istemal karna pronoun ka istemal karna he istemal karta. So he jo zameer yani ki sindhi mein jo zameer gayab
जिके जाहिर ना होते जिके जिनके बारे में गलत है। थर्ड पर्सन ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस वे होता है जिनके बारे में सब गलत है, जिनके बारे में सब कलाम करें। ओके इन पर्सनल प्रोनाउंस उन्हें बाद में चंद आसान है। सेकंड पर जो टाइप ऑफ प्रोनाउंस हो वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ओके डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इजी दिस दैट दीज एंड दोस दीज आर पर डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस असा पहले पढ़ा था डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की इतना बट दिस देयर इज अ क्वाइट बिग डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड दिस पेन दिस इज माय पेन ओके That is my brother's car. Okay, so demonstrative actually demonstrate करना है। Demonstrate की माना है जाहिर करना। ये शायद जाहिर करना के मिशन के जाहिर करना इशारा करना। इशारा में दूना है ना उसका जाहिर करना। Suppose I say this is my pen. So हिने के बारे में इशारों की क्या तो हिने के जाहिर तो क्या? हिने शेख के बारे demonstrate हो गया। शादी बाद ऐसा demonstrate pronouns जी बस this. देट असा पर्यावरण चेंज के लिए इस्तेमाल कर दिस दिस एंड दीज असा वेजे वारण चेंज के लिए इस्तेमाल कर थिंग्स विच आर नियरेस्ट एंड देट एंड दोज वी यूज फॉर दी थिंग्स विच आर फॉर अवर जी असा तो परे हैं उनके लिए असा देट एंड दोज इस्तेमाल कर सो एज इफ देट इज माई ब्रदर्स कार वो मुझे भाज की कार है सो देट जो है डेमोस्ट्रेट तो करें कहीं शेयर डेमोस्ट्रेट प्रोनाउंस के बारे में ही याद मजा काफ़ी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सो जी जो नेम पढ़ो मतलब रिफ्लेक्स तो इन में ही असि डेफिनेशन लिखल जो भी नाउंस अस पर्सनल पढ़ियासी ही शी इट दे दिस जो अस पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ियासी सपोज ही आ शी आ ठीक है इन चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ इट माय इट देम अवर ये जो ऑब्जेक्टिव यानी कि जेनेटिव गैसेस जो ही शी इट पर्सनल प्रोनाउंस है जो गैसेस हैं इन केस में होता है सेल्फ सेल्फ आर सेल्फ अगर सिंगुलर हो तो सेल्फ मिलाएगा अगर प्लूरल हो तो सेल्फ मिलाएगा अगर माय जो तो सिंगुलर है तो सेल्फ मिलाएगा तो माय सेल्फ इज माय सेल्फ शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ शायद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर सेल्फ शायद अगर जो को जमा है कि ऐसा ना सेल्फ का मिलाए अगर सेल्फ देम सेल्फ ओके योर सेल्फ या योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ ये जान रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन असर स्पेशली छो चवना ये रिफ्लेक्ट कह सब्जेक्ट के कोई भी एक्शन सपोज आई आई हर्ड माई सेल्फ हाँ इन ऑब्जेक्ट भी सेम आ सब्जेक्ट भी सेम आ ही जो ही एक्शन जो रिफ्लेक्ट करे तो सब्जेक्ट दिस वाई यू से इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही जो एक्शन आने सब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट तो थे रिफ्लेक्ट बेक तो थे इन असो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन बाद में असो फोर्थ टाइप जो आदि प्रोनाउंस इज इंडेफिनेट प्रोनाउन इंडेफिनेट प्रोनाउंस ओके इंडेफिनेट प्रोनाउंस वे होता है जी सपोज सम ऑल मेनी सेवन नो एट्सेट्रा ओके इंडेफिनेट प्रोनाउंस असान बुधाई तादाद बुधाई पर डेफिनेट ना मिले एक्सेक्ट तादाद ना मिले सम ऑफ देम उन कुछ केम टू अस टुडे कुछ असाने आया ठीक है तो सम जो तो बुधाए नंबर तो बुधा तादाद बुधा पर डेफिनेट ना बुधा इंडेफिनेट नंबर तो बुधा और ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड इन कॉम्पिटिशन
ओके सो ऑल जो यो इंडेफिनेट प्रोनाउन सो अस सेवरल नो या काफ़ी बया इंडेफिनेट प्रोनाउन्स एवरी बॉडी सम बॉडी नो बॉडी ये सब अच्छा इंडेफिनेट प्रोनाउन्स जी असैक्ट तादाद में मेनी कंप्लीटेड दियर एक्सरसाइज कंप्लीटेड दियर टेस्ट क्विकली सो मेनी जो यो इंडेफिनेट प्रोनाउन्स इंडेफिनेट प्रोनाउन्स असाद बुझा नंबर बुझा पर एक्सैक्ट डेफिनेट तादाद ना इंडेफिनेट प्रोनाउन्स का बाद में असो नेक्स्ट यानी कि आई थिंक नेक्स्ट वन टाइप ऑफ प्रोनाउन्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन्स सिंपल ईच एवरी आइदर लाइक दिस दीज आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन्स ये एक्चुअली सेंटेंस में जैसे अस ग्रुप की गाल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हर एक गाल देयर वी यूज ई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एडजेक्टिव्स ईच ऑफ अस अस हर एक यानी कि ग्रुप की गाल कई से अस पर अस इंडिविजुअली हर एक के बारे में गाल ईच ऑफ अस हैज डिसाइडेड असा सभी फैसलो कराची में अस हर एक अस हर एक ईच ऑफ अस हैज डिसाइडेड टू गो टू कराची एवरी ऑफ अस ईच एंड एवरी आर यूज इंटरचेंजेबली अस इस्तेमाल करता रहता एक बे जगह से एंड आइदर इन आइदर शायद आइदर अड़े तरीके से आइदर गो यू कैन चूज to go Karachi to go to Karachi okay either road तो कोई भी road मतलब कोई एक road either of the roads you can choose to go to Karachi and either चाहे पूरे मुख्तलि roads में हिकड़े से गाल करें सिंगल शेप गाल either जो वो either जो opposite हो neither road leads to Karachi ओके तो कोई भी रोड जो कराची नो लीड करें या नो वही इतना अड़े तरीके से अस डिस्ट्रीब्यूट जी इंडिविजुअली ग्रुप्स में इस्तेमाल ओके उन मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन ये कहते स्टेटमेंट्स के रिलेट कर which date etc काफी हैं so आज ये सारे डिस्कस करना ये सारे ना relate करना है pronouns suppose I saw this boy who got first position माहिर भाई तो कें पोजिशन हासिल कई फस्ट तो हूँ जो रिलेटिव प्रोनाउन विच सपोज आई से दिस इज द मोबाइल विच आई बॉट यस्टरडे विच आई बॉट यस्टरडे ये मोबाइल जो कल खरीद पे विच एंड is the one that needs no help. देख तमाम यानी कि बेजान शहर से जानदार शहर से लगा सकता लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स से लगा सकता सो देट जो है यो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन से हम जो है बिकॉज इट रिलेट्स टू स्टेटमेंट्स टू सेंटेंसेस एंड सो आई सॉ द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन हमेशा तो करे इन स्टेटमेंट की या इन स्टेटमेंट के रिलेट तो करें कनेक्ट तो करें लिंक तो करें दिस इज अ मोबाइल विच आई बॉट यस्टरडे और बस सेंटेंस में उनके रिलेट क्या तो करें विच रिलेट तो करें सो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन ही इज द वन दैट नीड्स हेल्प दैट नीड्स नो हेल्प ये कि जरूरत ना है कि देख सकते हो रिलेट तो करें रिलेटिव प्रोनाउन से के लिए रिलेट करना है मिन स्टेटमेंट्स के मिन सेंटेंसेस एंड द लास्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस, इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस हु, हाउ, वेयर, व्हेन, एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस बिकॉज दे आर यूज्ड आस क्वेश्चंस। इन्हें कैसा शादी इस्तेमाल करें, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करें। सपोज हु आर यू, इन्हें ऐसा सवाल किया, सो हू जो इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस अड़ो प्रोनाउंस जो असर सवाल पूछने के लिए खेल। हाउ इज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, सो दिस इज अ क्वेश्चन। हाउ जो इंट्रोवर्ट प्रोनाउंस छाकाण तो इन्हें क्वेश्चन किया। वेयर डू यू लिव, तुम किथे रहंदा आहियो। When did you come? तुम कड़े वक्त आए। सो इंटरगेटिव प्रोनाउंस जो भी होंगे वे सवाल पूछा जो एक्चुअली। सो इट वॉज ऑल अबाउट इंटरगेटिव प्रोनाउन एंड ऑल अवर टॉपिक टूडे, प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। वी हैव सिंपली एक्सप्लेन एंड स्पेशली इन सिंधी लैंग्वेज सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेल, जो तुम आसानी से समझी सको। अब पूरी सीरीज हल्दा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी रहना असल डिटेल में बताइए। सो थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच।